अरे वाह मेरा बेटा, कितना प्यारा लग रहा है अपने टॉय से खेलते हुए, कहीं किसी की नजर ना लगे। अरे करिश्मा भाभी, नजर लग गई। हाँ पूजा भाभी। वो मैं कह रही थी कि मैं अपनी बेटी काव्या को यहाँ छोड़कर जाऊँ क्या? वो मुझे जरूरी काम है ना, इसलिए। नहीं वो मैं, अरे बस 15 मिनट की तो बात है, मैं यूं गई और यूं आई। 15 मिनट है तो ठीक है, भेज दीजिए, मैं काव्या को बुला कर लाती हूँ। सुनिए, अरे सुनिए ना। हाँ? वो पड़ोस वाली पूजा भाभी अपनी बेटी काव्या को यहाँ छोड़ने आ रही है कुछ देर के लिए। हाँ तो आने देना। सूरज के टॉयज पूरे घर में बिखरे पड़े हैं, ऐसे तो वो लड़की आके खेलेगी और हमारा सूरज उसका मुंह देखता रहेगा। एक आइडिया है। क्या? ना रहेंगे टॉयज और ना होगी टेंशन। सब रख लिया पर ये इसे कहां रखेंगे? काव्य की आवाज, वो आ गई है। रुक, इसे मैं छिपाता हूं। अरे ये लड़की अंदर कहाँ चली गई? अंकल क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं बेटा। सूरज कहाँ है? अब तो सूरज वो पीछे देखो। अच्छा पीछे। ये अंकल कहाँ गए? अरे अंकल रुको। आंटी आंटी यहाँ पर क्या है? अरे बेटा ये कुछ भी नहीं है, अंकल का कुछ सामान है। आप चलो बाहर चलो। ठीक है आंटी। आंटी यहाँ पर क्या है? आप कुछ भी तो नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। अंकल ये क्या है? अब इसमें बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। टॉयज है ना, खेलो। हाँ बेटा टॉयज है, पर वो सूरज के हैं। हाँ बेटा, अगर सूरज देखेगा ना कि आप उसके टॉयज से खेल रहे हो तो वो बहुत रोएगा, इसलिए रहने दो। ठीक है। सूरज सूरज ये मेरा टॉयस है, हम चल मिलकर खेलें। हाँ। काव्या ने अपने टॉयस सूरज को दे दिए। ऐसा नहीं लगता हमने टॉयस नहीं देके अच्छा नहीं किया? हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक, ये लो बच्चों आ जाओ खेलने।